राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने देश में मोदी सरकार के 9 साल में किए गए कार्यों की चर्चा की और कहा कि पहले जहां अंतर्राष्ट्रीय आयोजन दिल्ली और मुंबई तक सीमित रहते थे, वहीं आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो रहे हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की मीडिया को जानकारी दी और कहा कि अगर विश्व के विभिन्न देशों द्वारा भारत को सम्मान दिया जा रहा है तो इसके पीछे की मेहनत और दृष्टि बहुत बड़ी है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा की सरकार है, सुशासन की सरकार है और गरीब कल्याण की सरकार है। ये हमारे मूल मंत्र केवल नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से सरकार का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प है। और उसी संकल्प के साथ जब गरीब कल्याण और गरीब सशक्तिकरण के विषय को लेकर सरकार आगे चल रही है, तो अगर हम देखें कि जो पीड़ितों और वंचितों को अधिकार देने का एक क्रांति और एक जंग प्रधानमंत्री जी के द्वारा छेड़ा गया है, इस विषय के साथ कि जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ हो सबका विकास हो, उसी उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत का विकास हो। 9 साल बेमिसाल, इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, हम सब ने देश के साथ साथ दिल्ली में भी जो अद्भुत कार्य हुए हैं, हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। दिल्ली की प्रेजेंटेशन हमने आप सबके सामने पहले की है, शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का हो, सड़कों का हो, या आवासीय योजनाओं का हो, या सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट हो, जिसका जिक्र मैंने कर्तव्य पर थोड़ा उससे शुरू किया। ऐसी कई जनकारी कल्याण योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली वालों को विशेष रूप से मिली हैं, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने पहली बार देखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर औपचारिकताएं छोड़कर गले लगा रहे हैं और आपसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, तो वो आप सबका पूरे भारतवासियों का सम्मान है। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस कह के संबोधित कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि पूरे भारत को कितनी गर्व की अनुभूति होती है। आज भारतीय मुद्रा में तेल भी खरीदा जाता है, दुबई में भारतीय मुद्रा में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये काम एक रात के काम नहीं है, इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे की सोच, इसके पीछे का विजन वो बहुत बड़ा है। और जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि जिस संसद भवन को कल हमने उद्घाटन होते हुए देखा है, हम सबको भी मौका मिलेगा देखने का, लेकिन इतने शॉर्ट समय में इतना बेहतरीन संसद भवन बनाना, भविष्य की योजनाओं को देखते हुए बनाना, तो सही मायनों में मेरा संसद मेरा अभिमान, मेरे देश का अभिमान है कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष, माननीय प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल, आज पूरे देश में इस अभियान को लेकर पत्रवार्ताएँ हो रही हैं। और 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर इस पूरे अभियान को सफल बनाने में लगेगा। भारत की क्षमता आज के विश्व पटल पर केवल आर्थिक रूप की क्षमता नहीं है, भारत की क्षमता एक आध्यात्मिक क्षमता भी है। जब G20 की अध्यक्षता, जो भारत के संपूर्ण इतिहास में एक नया इतिहास रचा गया है, भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रही है, और जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किए जाते थे तो दिल्ली मुंबई तक सीमित थे, इस बार G20 की अध्यक्षता कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक एक राज्य में आयोजित की गई है। क्यों? क्योंकि भारत की जो असीम क्षमता है, केवल आर्थिक नहीं, पारंपरिक, सांस्कृतिक, उस इतिहास को, उस संस्कृति को प्रधानमंत्री जी विश्व पटल पर उजागर करना चाहते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।